नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग और मैं हूं आपका अपना एनटीएस। और विभाग से आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना वायरस रोग के 1993 नए मामलों को दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक स्पाइक था और पिछले 24 घंटों में 73 मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े शुक्रवार सुबह दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 के डैशबोर्ड में सुबह 8 बजे से 25,007 सक्रिय मामले दिखे। इनमें से 8,888 लोग ठीक हो गए हैं और सांस की बीमारी के 1,147 मरीजों की मौत भी हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा कोविड-19 डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया भर में 32,56,846 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस रोग और उनकी मृत्यु जिनमें से हुई है वो है 2,33,388। महाराष्ट्र हालांकि पूरे देश में 10,498 मरीजों और 449 लोगों के साथ कोविड-19 मामलों के सबसे अधिक संख्या की रिपोर्ट जारी कर रहा है। गुजरात ने 4,395 लोगों का टेस्ट किया है और 214 मरने वालों के साथ गुजरात दूसरा सबसे हिट राज्य बन चुका है। दिल्ली में 3,515 पर कोविड-19 मामलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि दिल्ली में 59 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें, और कोरोना वायरस का कहर फिलहाल के लिए देश को नहीं छोड़ रहा है। और UGC है, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉडीज को चलाती हैं, एजुकेशन बॉडीज को चलाती हैं, उस तरह के लोगों की जो है अभी एडवाइजरी नहीं आई है। जी हाँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन आगे और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो विभाग आपको टाइम फ्रेम सारा कुछ बताता रहेगा। इसलिए देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विभाग। नमस्कार।